यूपी पुलिस के कारनामे, महिला की हत्या के आरोप में 3 व्यक्तियों को भेजा जेल, महिला जिंदी हुई बरामद। यूपी के जनपद अमरोहा के आदमपुर थाना पुलिस ने जिस युवती की हत्या के आरोप में उसके भाई और उसके पिता सहित 3 लोगों को जेल भेजा था, वो युवती आज जिंदा बरामद हो गई है। जिसके बाद थाना आदमपुर पुलिस का कारनामा उजागर हुआ तो जनपद के पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के होश उड़ गए। बता दें कि अमरोहा जनपद के थाना आदमपुर गांव मलकपुर के पीड़ित पक्ष के राहुल ने बताया कि पिछले साल 6 फरवरी में उसकी बहन कमलेश अचानक घर से गायब हो गई थी, जिस मामले में आदमपुर पुलिस ने 18 फरवरी को उसके मर्डर में उसके पिताजी सुरेश और उसके भाई रूप किशोर और पड़ोस गांव के रहने वाले देवेंद्र सिंह 3 लोगों को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया है। राहुल ने आदमपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तीनों लोगों की पिटाई करके जबरदस्ती गुना कबूल कराया गया था, वो लोग तभी से जेल में बंद हैं। हैरानी इस बात की है कि जिस युवती की हत्या का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया था वो अभी तक जिंदा है, जिसे आज हमने थाना इलाके के पोरारा गांव के राकेश के साथ घर में जिंदा बरामद कर लिया है, जिसके बाद अब वो लोग इंसाफ चाहते हैं और बेगुनाह परिजनों की रिहाई के साथ साथ दोषियों पर कार्रवाई चाहते हैं। मेरा नाम राहुल है। कहाँ के रहने वाले? गांव मलकपुरा रहने वाला। क्या मामला? ये मेरी बहन 6 तारीख फरवरी को गायब हुई थी। जब 6 तारीख फरवरी को हुई थी तो जो पुलिस ने जो है 18 फरवरी का ये मेरे पिताजी को मार पीट गए और जेल भेज दिया और बहुत हेकड़ मार लगाई थी थाने वालों ने। आज कत्ल केस लगाया, मटर भी लगाया और जो बहुत गहरा केस आया उन्होंने साहब। ये जेल में मेरे पिताजी जेल में है। और कौन कौन है जेल में? मेरा जेल में मेरा भाई है रुकसोर, मेरे पिताजी हैं सुरेश, एक लौंडा और है शीशो वाली का, उसे देविंदर, उसे साहब बहुत पीटा, पहले उसे पीटा, इन्होंने जो वीडियो बना ली, रिकॉर्डिंग बना ली, बना कर रिकॉर्डिंग जो है उसकी वीडियो हमारे पापा दिखा दी, हमारे पापा पकड़ लाए, मार फिर बहुत बुरी तरीके से। जब रिकॉर्डिंग बना लाए तो फिर जो है उसने भी इन्होंने कह दी कैसा मर टाइम मार, जब फिर मार फिर तो उन्होंने कह दी कि लड़की तूने मार दी, उन्हें मार दी, जब मार गए सब फेरी तो फिर आई लड़की जिंदी पाई गई है आदमपुर थाने में। कहाँ से पाई गई है? पोरारा गाँव, पोरारा राकेश सैनी, पिताजी का नाम है बलवंत। अच्छा, आप लोग सब इकट्ठे होकर थाने पर आए, क्या चाहते हैं? हमने आदमपुर थाने को फोन करा था, कम से कम दो ढाई घंटे पुलिस पहुंची थी उस जगह पे। और फोन करा था, फोन करा था कोई पुलिस वाले नहीं पहुंचा। ये भी दो ढाई घंटे बाद पहुंची आदमपुर थाने की, हमारी कोई सुनवाई आज तक नहीं की थाने वालों ने। अच्छा, आप जो थाने पे इकट्ठा हुए गाँव वाले, अब क्या चाहते हैं? अब जी हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे भैया और पिताजी और एक लौंडे पे क्लंप लगा हुआ है और एक थाने वालों ने लगाया है, इन थाने वालों ने जो लड़की ले गया था उन्होंने बहुत मोटा पैसा लिया है, इन्होंने जब थाने वाले मोटा पैसा लिया है तो ये सोच रहे हैं कि साहब लड़की उन्होंने भी मार दी। अच्छा, लड़की जिंदा बरामद हुई है? लड़की जिंदी बरामद हुई है, आज भी लड़की जिंदी बरामद, थाने में बंद है अभी आज भी। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कार्रवाई करी नहीं, इसमें कुछ नहीं, हमें धोने जाने का नहीं बिल्कुल भी। कितना टाइम हो गया आपको थाने पे? हमें थाने पर कम से कम 1.5 घंटा हो चुका। पति का नाम? गाँव हाँ, क्या समस्या आप बताइए? 1.5 साल पहले लड़की गायब हो गई हमारी। लड़की का नाम? कमलेश। हाँ, 6 तारीख में लड़की गई है, 6 तारीख में फरवरी में, और 18 तारीख का पुलिस ने मर्डर लिखा रहे हमारे साथ, और हमारे पति और हमारे लड़का मार फेर गए, ये समझ गए थे और जेल में लड़का हमारे पति, हमने जो आज लड़की कोरारे में मिल गई हमारी, पकड़ ली हमने। पुलिस ने कोई हमारी सुनवाई ना करी, 2 घंटे में पुलिस गई अब क्या चाहती हैं? हमारा तो जी हमारे जी छुट्टियाँ में हमारे कैसे भी हम पता बोल लूँ आप आगे झूठा केस लगा हुआ है, हमारे पता कतल केस पिकअप लगा दिया और राकेश का नाम है, तोरारा गाँव में लड़की वहाँ पर पकड़ी। नाम आपका?
रामपाल सिंह जिला पंचायत का सदस्य। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव चक्की है मेरा। क्या मामला है? थाना आदमपुर में इकट्ठा भीड़ है। यह है कि पहले भी मैंने कहाँ साहब से कहा था, पहले इस केस में निर्दोष जेल भेजे थे, वो पुलिस ने कागरे जेल से वापस करे दो आदमी, तो उसके बाद में इन्हें भी कागरे निर्दोष जेल भेजा था। हमने कहा निर्दोष जेल जा रहे हैं, अब इसमें जाँच सही तरीके से आप कर नहीं रहे। काफ़ी मैंने कप्तान साहब से भी कहा था इस मामले में, कप्तान साहब ने जो संज्ञान में लिया था, पर ये लोग पहले वाले फोटवाल साहब ने वो ये निर्दोष जेल, और ऐसे ही अगर निर्दोष जेल जाते रहेंगे सही मामले जो सही आदमी है वो बचते जाएंगे और क्राइम बढ़ता जाएगा निर्दोष लोगों को जेल। अच्छा, किस मामले में पुलिस ने जेल भेजा था? पुलिस ने मर्डर के हत्या लड़की के हत्या के मामले में हत्या लड़की ने करी बात बैठे हुए एक आदमी और। जैसे कि सुनने वाला लड़की को मर्डर दिखा, अब आज वो बरामद हो गई? आज बरामद होगी लड़की को, पुलिस की इसमें काकरे नाकामी है। अब इसमें पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस बोल रहा बात, पुलिस बात कर रही है, बात पर सब आदमी है।